वेलकम टू द चैनल गाइस. अजय यार, आज का ब्लॉग है ऑयल चेंज ब्लॉग. मेरी जीप में जाते हैं 6 कॉट्स. मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ. तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मोबिल 1 हाई माइलेज ऑयल. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर गाड़ी 75,000 माइल्स के ऊपर चली हुई है, ये ऑयल में एक सीलेंट आता है. तो क्या होता है, गाड़ी में जो गैसकेट्स होते हैं ना, वो ना थोड़े टाइम के बाद ऐसे क्रैक हो जाते हैं और इवेंचुअली फिर ऑयल लीक होना चालू होता है. तो इसके अंदर सीलर्स होते हैं, वो सील को ये कंडीशन करता है, तो उससे फिर क्रैक्स नहीं होते. सब टाइम वर्क नहीं करता है, पर इन मोस्ट केसेस मैंने देखा है पर्सनली वर्क होता है. तो इसके लिए ये वाला ऑयल मैं प्रेफर करता हूँ. और दूसरा, ये टॉप ऑफ द लाइन ऑयल है. ये ऑयल का अगर मैं सिंगल कॉट लूँ, अप्रॉक्सीमेटली मेरे को $10 पड़ता है. मैं क्या करता हूँ, मैं ये 5 कॉट वाला लेके आता हूँ. ये 5 कॉट का मेरे को वॉलमार्ट से पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली $25 में. अभी जैसे मैं इधर लोकल ऑटो जोन स्टोर पर गया था, ये सेम ऑयल था वो उधर $41 में, और वॉलमार्ट में $22 में था. और मैंने अमेजोन पे चेक किया, वहाँ $35 में था. और फिर उसके बाद ये ऑयल फिल्टर है, ठीक है, फिर ये फनल, और फिर ये फिल्टर लूज करने के लिए. तो अभी हम लोग ऑयल चेंज करेंगे मेरे जीप पे. तो जीप मेरी है 3.8 लीटर्स V6. तो इसका ऑयल फिल्टर है इधर, ठीक है. ये देखो, मैं इसमें यूज़ करता हूँ कैन एंड एयर फिल्टर. ये लाइफ टाइम तक रहता है, पर इसको एवरी ऑफ्टन निकाल के क्लीन करना पड़ता है. तो अभी मैं आपको जीप के नीचे दिखाता हूँ. मैं खाली होप कर रहा हूँ मेरा फ़ोन फिट हो इधर. ओके, ये तो ये है ड्रेन पैन जिसमें ऑयल आएगा. अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑयल पैन. अरे यार, ये है ऑयल पैन. इसको बोलते हैं ड्रेन प्लग. है एक्चुअली बोल्ट ही खाली, पर उसको बोलते हैं ड्रेन प्लग, ठीक है. तो ये मैं खोलूँगा तो उसमें से ऑयल गिरेगा और अपने ड्रेन पैन में जाएगा. फिर एक टाइम ये हो गया, उसके बाद मैं ऑयल फिल्टर निकालूँगा. तो मेरा ड्रेन पैन है 16 कॉट्स का और अपना निकलने वाला है 6 कॉट. तो अपने पास बहुत जगह है. ये मैं एक्चुअली चेंज करता हूँ एवरी, यूजली मैंने आदत डाल दी है 3 to 4 months कर डालता हूँ मैं ऑयल चेंज, भले उसका टाइम हो या नहीं हो, मैंने आदत ही बना दी. कितना काला है देखा गया. अभी मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगा जब भी मैं नया वाला डालूंगा, वो तो इसके कंपेयर में इतना क्लियर होएगा ना. तो ऑयल पैन में से पूरा ऑयल ड्रेन हो गया. अभी मैं ऑयल प्लग वापस लगा रहा हूँ. एक चीज़ याद रखने का होता है, जब भी ये प्लग डालते हैं ना वापस, तो मेक श्योर करने का मशीन से टाइट नहीं करने को, क्योंकि ये ऑयल पैन होता है एल्यूमिनियम का. तो क्या होता है, मशीन से टाइट करते हैं ना तो उसका थ्रेड घस जाता है कभी कभी, और फिर ऑयल लीक होना चालू होगा. तो इसके लिए आप कभी भी कोई ऑयल चेंज वाले को देखोगे ना कि मशीन से टाइट कर रहा है, तो यानी वो आदमी अपना काम बराबर नहीं कर रहा है. मेरी एक गाड़ी मैं लेके गया था ऑयल चेंज के लिए, और उसने ऐसे किया था. तो लकीली वो गाड़ी खाली मैंने उधर ही सर्विस कराई थी, तो उन लोग को पूरा ऑयल पैन चेंज करना पड़ा. तो बस मैं इसे हाथ से जोर लगाता हूँ जितना होता है, ये हो गया, ठीक है. यूजली लोग इस पर एक वॉशर भी आता है, वो भी चेंज करते हैं, पर इसमें मैं देखा है मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती. पर लेकिन उस पर है ऑलरेडी एक प्लास्टिक का. तो ये तो काफ़ी लूज होता है ऑलरेडी, थोड़ा एक टर्न हो गया तो अपना काम हो गया. तो अभी मैं डालूंगा ये वाला फिल्टर. इसकी कॉस्ट है अराउंड $5. तो इस पर फिल्टर पे ऐसे ऑयल लगाने का थोड़ा, तो उसको बराबर सील मिल रहा है. तो मैं कपड़े से इसे टाइट कर देता हूँ, क्योंकि इट सीम्स खाली हैंड टाइट करने की ज़रूरत होती है, पर इसे अच्छा स्नग फिट आना चाहिए, लूज़ नहीं लगना चाहिए. तो अभी मैं डालने वाला हूँ ब्रेक क्लीनर.
तो जहाँ जहाँ ऑयल गिरा था उसको ये साफ कर डालें। तो ये देखो कैसे क्लीन हो गया, मस्त, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो क्या ऑयल इधर होता था ना, फिर अच्छा नहीं लगता, एक तो दिखने में भी बेकार लगता है और फिर क्या, जब भी गाड़ी गर्म होती है ना तो वो ऑयल की स्मेल आती। तो इधर से जाता है तो ये निकालूंगा, फिर इसके अंदर फनिल जाएगा। तो ये गया फनिल इधर। तो ये प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की, गलती से भी गाड़ी चालू नहीं करने का, क्योंकि ऑयल नहीं हुआ, गाड़ी चालू किया तो फिर स्टोरी ख़त्म। देखा कितना क्लियर है वर्सेज वो कितना काला था, याद है? अभी ये डाल रहा हूँ कैप वापस। तो अभी मैं आपको बताऊंगा मैं पुराने ऑयल के साथ क्या करता हूँ। ये पुराना ऑयल का कलर देखो खाली, ये मैंने चेंज किया था 4 मंथ्स अगो, मैं बोलूँगा अंदाज़ा 3000 माइल के आसपास, और कलर देखो इसका कैसे हो गया, ठीक है? तो अभी इसके अंदर जो ऑयल जमा हुआ है राइट, वो मैं डालूँगा इसके अंदर और मैं लेके जाऊँगा इधर, मेरा लोकल डीलरशिप वाला पहचान वाला, तो वो लोग क्या रिसाइकिल का पूरा कंटेनर होता है उसमें जाके ये ड्रेन करूँगा, तो क्या ऑयल रिसाइकिल हो जाएगा। तो इसके अंदर जितना फूल हो सकता है कर लेता हूँ, बाकी उसमें ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो है 16 क्वार्ट का, तो जगह तो बहुत है। तो ये अभी जाएगा रिसाइकल में। तो ऑयल चेंज तो हो गया, अभी लास्ट मेरे को खाली वो ऑयल डिपस्टिक चेक करने का, एक्चुअली ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने खुद के हाथ से डाला है 6 क्वार्ट। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ओवर ऑयल चेंज बाहर से कराते हैं, बहुत रेयर मैंने देखा है जो खुद के ऑयल चेंज करते हैं, खास करके अपनी इंडियन कम्युनिटी में मैंने बहुत कम जन को देखा है। तो अगर मैं बाहर कराता था ये ऑयल चेंज, मेरे को कॉस्ट होती थी इसकी 100 and some dollars, क्योंकि मैं डालता हूँ बेस्ट वाला ऑयल, ठीक है? अगर सस्ता वाला ऑयल डलवाता था तो 30 to 40 dollars के अंदर ऑयल चेंज होता था, पर मेरा मेन रीज़न मैं खुद करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं बेस्ट वाला ऑयल डाला है, और दूसरा मैं अपना काम बराबर किया है राधर देन किसी और के भरोसे, और मैं ऐसे सोचते रहूँ कि उसने बराबर किया है नहीं किया है, क्योंकि इधर इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ ड्रेन प्लग वो लोग ने बराबर टाइट नहीं किया है, ऑयल फिल्टर टाइट नहीं किया है। मैंने कई ओकेजन में देखा है लोग टेक्नीशियंस ऑयल डालने को भूल गए और लोग गाड़ी लेके गए और वो लोग की इंजन ख़त्म हो गई। तो ओके गाइस, ये था मेरा ऑयल चेंज का ब्लॉग। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।